भाई तो हम आज फिर से आ गए हैं मशीन वापस कर नहीं है वॉशिंग मशीन देने आ गए वापस से। मशीन, दे मशीन देने आ गए। अच्छा ये मशीन दे क्या खा रही हो गुड़िया बोलते हैं मेरी तरह और जी ये जो खुस्से वाली दुकान ये है कोई बाइक वाली दुकान जिस पे बाइक का सामान है सारा आगे गया ग्राटा जलेबी है और पीछे वो कोई शॉप है फैंसी के नाम से जिससे वकास लाए थे वो मशीन में और वकास ने ली थी

कैसे कैसा है करो ओके okay, भाई तो बिरयानी जो है, वो हमने आलू वाली बनाई थी क्योंकि बच्चे जो है ना वो आलू वाली बिरयानी बड़े शौक से खाते हैं बोटिका इतने शौक से नहीं खाते हैं और अरमिश स्पेशली और वो वक्काश भी बोल रहे थे कि आलू डालना बिरयानी के अंदर तो फिर इसलिए हमने आलू वाली बिरयानी बनाई थी और बहुत ही मजे की बनी थी उसके बाद हमने चाय पी है तो, तो ये वकास ने बनाई है चाय और वो मुझे बुला रहे हैं कि आ जाओ चाय पीते हैं अरमिश को जो है ना बिरयानी में सिर्फ आलू खाने थे तो उसको जो है मैंने आलू डाल के दिए और वो खा रही है हम लोग गए थे अरमिश का ना एक्चुअली अरमिशा तस्वीर के स्कूल में स्पोर्ट्स हो रहे हैं ना तो इनके स्पोर्ट्स के यूनिफॉर्म लेने तो वो उसके बगैर वो अलो नहीं करते स्पोर्ट्स पर बैठना आप अपनी चाय लेके गए थे आई थॉट कि आपने मेरी और अपनी एक ही कपड़ी बनाई है तो आप मिले नहीं आउट ऑफ स्टॉक हो गए क्योंकि एक चलाख होता है ना ये बड़े स्कूलों वाले एक ही शॉप बताते हैं कि वहीं से लेना है सबने उसके अलावा कहीं से लेना है वो कहें कल आएगा चलो कल लेंगे फिर हम चाहेंगे और क्या किया और क्या सिखाया स्कूल वालों ने और कैसे खाया है और हाँ, हाँ। और, और कराटा हाँ। सही है ओके okay, भाई तो अभी सुबह का टाइम है नाश्ता बना रही हूँ यहाँ पे मैं चाय मैंने रख दी है चूल्हे पे बनने के लिए वकास जो थे वो उठ गए थे सो के और बच्चे जो है वो स्कूल गए हुए थे तस्वीर और अरमिश और बलाजावा जो है इस टाइम तक सो रहे थे तो वकास कर रहे थे मैंने दाल वाले पराठे ही खाने और मेरा दिल था मैं आज सादा पराठा खाऊँ और वैसे भी तस्वीर भी सादा पराठा खाती है तो मैंने वकास के लिए जो है वो दो दाल वाले पराठे बना दिए थे और छोटे छोटे बनाए थे मैंने क्योंकि काफ़ी लड़कियाँ बोल रही थी अभी अब वो बड़े बड़े पराठे बनाती हैं तो मैंने कहा चले ठीक है जी इनको खुश करने के लिए छोटे छोटे पराठे बना लेते हैं आज हम तो यहाँ पर जी हम दूध डाल रहे हैं और हमने दूध की मलाई जो है मतलब हम ऐसे करते हैं ना कि एक दूध जो है ना वो दूसरे दिन यूज़ करते हैं ताकि मलाई ना टूटे तो यहाँ पर मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था तो विकास को मैंने कहा मलाई निकाल दो <laughs> तो वो घास ने कैसे मलाई निकाली है मतलब हम तो ऐसे उठा लेते ना सारी व घास बेचारे छान छान के निकाल रहे हैं खैर जी मलाई हमने जमा कर ली जब इकट्ठी हो जाती है तो फिर मैं अपने ससुर को भिजवा देती हूँ यहाँ पे जी हमारा सादा पराठा भी बन गया है सही लाल लाल पराठा बना है माशाला से सनराइज वालों आटा यूज़ कर रहे हैं अभी हम तो हम नाश्ता कर रहे हैं उसके बाद जी मैंने सफाई करनी है बच्चे स्कूल गए हैं इतना मेस बना के जाते हैं ना तस्वीर और अमिश जूते यहाँ फेंकते हैं यूनिफॉर्म पहनते हैं तो कपड़े यहाँ फेंकते हैं तो अभी मैं पर्दे वर्दे साइड पर करूँगी खिलौने चुनूंगी सत्तर जगहों से पहले उनके अरमिश जो है ना वो इतना नहीं तंग

साफ़ किया था अब यहाँ पे जी मैं बच्चों के जो है ना रूम के तकिए चेंज कर रही हूँ क्योंकि तकिए काफी खराब हो गए थे तो जो सामान स्टोर में पड़ा हुआ था छत से वो मैं उतार के लाई उसमें ये तकिए रखे हुए थे मैंने ये मैंने के लाइन इनसे ही मंगवाए थे लेकिन यूज नहीं किए थे मैंने कहा चलो बाद में यूज करूंगी लेकिन अब वो तकिए जो है ना वो काफी रफ हो गए और दूसरी जो मेरी सफाई करने वाली आती है ना उसको तकिए चाहिए थे तो वो गरी थी पुराने मुझे दे हैं आप नए यूज़ कर लें तो फिर मैंने वो उसके लिए निकाल के रख दिए और नए वाले जो है वो मैंने चेंज कर लिए आप देखें ये तकिये कितने फ्लफी और सॉफ्ट हैं और बहुत अच्छा इनका जो है ना स्टफ है क्योंकि हमने अपने रूम में भी ये यूज़ कर रहे हैं ना तो अभी खराब नहीं हुए हमारे हैं। और उसके बाद ये कम्बल भी क्योंकि डब्बे के अंदर थे। बच्चों में बाद में क्या चीज़ है। अच्छा जिसके बाद उसके बाद की थी और बेडशीट बिछा के बेड के ऊपर जो नेल पॉलिश वगैरह के निशान नजर आ रहे हैं ना अभी डस्टिंग करके इसको साफ करूंगी सारा आप देखिएगा बेड साफ हो जाएगा अच्छा अभी बल आज अब हाथ सो के उठ गए थे पहले मैंने उनको फीडर बना के फीडर पिया उसके बाद मुझे वो तंग किया व नाश्ता करके जो है वो चले गए थे अपने काम पर उन्होंने कहा वापसी पर बच्चों को लेता अच्छा यहाँ पे मेरे बाल खुल गए मैं फिर गएंगी अपना ओके भाई तो मैंने रजाई के बटन शटन बंद किए <laughs> उसके बाद कुशन वगैरह रख के हमारा बेड सेट हो गया अब यहाँ पे जो खिलौने वाला जो स्टोरेज बॉक्स है ना ये भी मुझे पीआर में आया था मैं इसीलिए आपको बोल रही थी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें क्योंकि इस तरह की चीज़ें ना मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करती हूँ इंस्टाग्राम पेज से आती हैं तो इस पर ना सारे खिलौने ऑर्गेनाइज हो गए हैं बच्चों के और बच्चों के कमरे में इस तरीके से साइड पर रखा हुआ और अच्छा भी लगता है और खिलौने भी यहाँ वहाँ नहीं बिखरते अब जी हम बारी आ गई है हमारी डस्टिंग की या मैंने शीशा साफ़ करना है और टेबल वगैरह साफ़ करनी है तो एस्टोनिश का शीशे साफ़ करने वाला और फर्नीचर साफ़ करने वाला स्प्रे रखा हुआ है मैंने और उसके अलावा जी दूसरा टीवी का है को बताया तो यहाँ पे जी हम शीशा साफ कर रहे हैं अपना एक हाथ मोबाइल पकड़ के फिर मैं मोबाइल साइड पर रख दूंगी उसके बाद जो है वो शीशा साफ करूंगी सुकून से बैठ के अलमारियां साफ करी हैं सारी बेड साफ किया है मतलब मैं ना फिफ्टीन डेज में एक दफा डस्टिंग लाजमी करती हूँ अब यहाँ पे जो है हम टेबल साफ कर रहे हैं क्योंकि टेबल पर फीडर वगैरह गिरा देते हैं बच्चे दूध के दाग लग जाते हैं तो इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि हफ्ते में कर लेती हूँ वरना फिफ्टीन डेज में तो लाजमी करती हूँ तो ये देखें नेल पॉलिश के निशान भी हट गए बेड से टेबल भी हमारी साफ हो गई है टेबल का जो हैंडल थोड़ा हुआ था ना उसका पेज भी मैंने टाइट कर दिया है अब उसके बाद जो है सोफे के ऊपर मैंने एक जगह पर नजर आया मुझे दाग सा लगा हुआ है तो फिर मैंने वही वाला ब्रश जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था उससे जो है इसको साफ कर दिया तकिए जो थे ना वैसे वो बहुत कॉम्फी थे और ये देखिए हमारा दाग साफ़ हो गया यहाँ पे अब उसके बाद ये ब्लैंकेट रह गए हैं चले मैं बाद में दिखाती हूँ पहले वो वाले कमरे की सफाई कराऊँ अब जी हमारे कमरे में बलाज अब आज खिलौने फेंक गए हैं और ये यहाँ पे लेट के फीडर पी रहे थे और बलाज वो वाली चादर लाजमी लेता है इसको इस चादर से बहुत मोहब्बत है अब यहाँ पर जी पहले मैं खिलौने समेटूंगी उसके बाद बिस्तर बिस्तर झाड़ूंगी और एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो सारी समेटूँगी और डस्टिंग कर रही हूँ साथ साथ ये वाला स्टोरेज बॉक्स और ये वाली चेयर जहाँ पर मैं अभी खड़ी हूँ यहाँ पे बलाज ने पूरे पर मस्कारा लगा दिया था और पूरी दीवार जो एल के नीचे ना वो बस मस्कारा

चलो फिर मैं दिखा देती हूं ऐसा ना हो किसी की शादी हो रही है उसको चाहिए वो अच्छा ब्राइडल सेट और फिर वो इंतजार करती रहे तो मैं दिखा देती हूँ कि वो यहां से ले लें क्योंकि यहां से ये यह होता है ना कि अगर कभी कंप्लेन भी आती है तो ये लोग हल कर देते हैं दूसरी बात है कि इनका स्टफ मैं इतने सालों से यूज कर रही हूं मैं वॉश करती हूँ मेरी बेड खराब नहीं होती अभी मेहरून वाली मैंने उतारी है मैंने तीसरी दफा यूज की है और मैंने हाथ से धोई थी है कि रात को मैंने डिप कर दिया था उसको पानी में सुबौकर कर है मैंने खंगाल ली थी और बिल्कुल साफ है कोई कलर नहीं खराब हुआ कुछ नहीं खराब हुआ तो जीतकिया वगैरह डाले मैंने उसके बाद जो है कुशन हैं तीन तो वो कुशन चढ़ा दिए

इस तरीके से कर दिया है अब जो है मैं इसकी रजाई भी छाऊंगी और रजाई के अंदर जो है वो डालना है हम लोगों ने जो फिलिंग होती है वो तो उसके बाद रज़ाई में फिलिंग डाल के मैंने रज़ाई बिछा दी है अब मैं कंबल की सेटिंग करूंगी साइड पे प्यारा लगता है ना इस तरीके से रखा हुआ बेशक आप मैचिंग कर ले लें जो कम्बल है ना फ्लीज वाले जो कंबल होते हैं वो होते हैं ये काफ़ी प्यार होते हैं बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं तो यहाँ पे देख लें जी हमारा हो गया है बेड वेड सारा कुछ रेडी है बस सफाई रह गई है मैं यहाँ पे अपना स्टोरेज बॉक्स दिखाती हूँ आपको काफी लोग पूछ रहे थे स्टोरेज बॉक्स आप जब भी बनवाए ना तो दोनों तरफ डोर लगवाएं मुझे उन्होंने लगा के नहीं दिए थे दोनों तरफ डोर तो यूजलेस हो जाता है या तो जो ऊपर से खुलता है वो वाला बनवाएं या फिर दोनों तरफ डोर वाला बनवाएं तो जब

क्योंकि ना मेरा सोफा जो है ना वो थ्री थ्री वन सीटर है और फिर अंदर भी एक और सोफा है तो ये मेरा एक साइड से ना हमेशा रह जाता है क्योंकि ये साइड दीवार की तरफ होती है तो नजर नहीं आती आप लोगों को लेकिन मेरे सोफे खराब होने से बच जाते हैं बच्चे कोई चीज गिरा देते हैं दूध या कुछ भी अब ये वाले सोफे पे कवर चढ़ाने लगी हुई देखें इसका जो दीवार की दर वाला साइड है ना उसके ऊपर कवर नहीं है बाकी सारा पे कवर चढ़ गया और इसका स्टफ बहुत प्यारा है और बल्कि मैंने इनको बार बार बोला है मुझे इसके अंदर इस ना मुझे ग्रीन कलर का बनवा के दें जैसे मेरे सोफे का कवर है ना मैंने इनको कलर भी दिखाया है और कपड़ा भी दिया था मैंने कहा मुझे ऐसा बनवा दें अब जी हमने सोफे पे कुशन चढ़ा दिए हैं अब ये जो छोटे वाले कुशन है ना ये मैंने एक पेज से मंगवाए थे ऑनलाइन अब मुझे पेज का नाम याद नहीं है तीन के आए थे या आठ या पैतीस के अब बड़े वाले जो कुशन है ना उनका कवर जो है मैं अभी सी रही हूं क्योंकि सोफे की जब मैंने पोशिंग करवाई थी ना तो उसका कपड़ा बच गया था तो मैंने बोला यार एक तो मैचिंग का कपड़ा नहीं मिल

मेरी अम्मा नहीं मानती अम्मी बोलती है एक चली गई इतनी दूर बस वही बहुत है दूसरी को इतनी दूर नहीं भेजना और मैं अपने चक्कर में इस्लामाबाद में हो जाएगी तो अम्मी पापा निकल आएंगे फारुशा से जी, अब मैं यहाँ पे आपको कम्बल दिखा देती हूँ बच्चों वाला यह जो कम्बल है ना ये मुझे अम्मी ने बोला था जो मेरे मामू की बेटी की बेटी हुई है ना उसके लिए कुछ चीज़ें लेने के लिए तो फिर मैंने कई लाइनन वालों को बोला था कि मुझे ये दो जो है ना वो बच्चों वाले कंबल भी भेज दें तो ये काफ़ी सॉफ्ट है लेकिन बलाज कहता है ये बेबी का कंबल नहीं है ये मेरा कंबल है इस पर टेडी बना हुआ है और मेरे ड्रेस के जैसा टेडी है तो बलाज का दिल नहीं करा था देने का। बलाज और अब जो है ना वो कम्बलों वाले फेस से निकल आए हैं बड़े हो गए हैं और ये छोटे बच्चों में ज़्यादा प्यारे लगते हैं दूसरा जो था वो मैंने ये वाला मंगवाया था ये डार्क कलर में था गंदा भी जल्दी नहीं होगा और दोनों की पैकिंग भी काफ़ी अच्छी थी और बहुत इतने सॉफ्ट थे यार इतने सॉफ्ट है ना इनके फ्लीस वाले कंबल और ये वाले कंबल बहुत सॉफ्ट है और बहुत अच्छा लगता है हम लोग जब टीवी वी लॉन्च में बैठ के टीवी वगैरह देखते हैं ना या कोई गेस्ट आ जाता है तो मैंने इनके वो फ्लीस वाले कंबल सारे सारे वहीं रखे हुए कंसोल के अंदर तेज बना के तो फिर मैं उनको वही वाले कंबल देती हूँ जो भी आता है वो जरूर तारीफ करता है कि कितने अच्छे हैं मैंने वो वॉश किए थे और अभी तक उनकी शाइन नहीं गई एज इट इज शाइन है तो ये मैंने वापस अब पैक करके रख दिए हैं कि पार्सल में भेजूंगी अम्मी को उसके बाद जब हमारे घर की सफाई हो गई है और मैंने वापस रक्स वगैरह बिछा दिए हैं अभी आपको मैं ओवरऑल दिखा रही हूँ सारे घर के कैसा लग रहा है और ये ब्राइडल सेट इतना कोई अच्छा लग रहा था इतना कोई अच्छा कि मैं क्या बताऊ लेकिन जब आपकी शादी होने वाली है ना तो डार्क कलर्स में लेना मतलब ब्राइडल रूम के अंदर ना रेड और मेहरून इस तरह के कलर अच्छे लगते हैं कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि किस किस के घर में शादियां हो रही है किस किस के घर में होने वाली क्योंकि हर किसी की शादी हो रही है यार जहाँ देखो यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे हर जगह पर शादियां शादियां हो रही हैं तो भाई मैं अपने बेड पे हाथ फेर के ना जो अंदर वो पड़ी हुई है डिफरेंट डिफरेंट कलर शेडिंग वाला बेड है ना तो वो सही कर रही हूँ अब यहाँ पे मैं आपको करीब से तकिया दिखाती हूँ तकिए के अंदर भी जिप जो है वो गुम सिलाई में लगी हुई है और कुशन के अंदर भी जिप गुम सिलाई में लगी हुई है जो रज़ाई का कवर था उसके अंदर भी जिप जो है वो दरमियान में लगी हुई है और गुम सिलाई में लगी हुई है अच्छी वाली ज़िप है इनकी कभी नहीं निकली मेरी वॉश करते हुए कितनी दफ़ा मैंने इनकी चीज़ें यूज़ की हैं बेड शीट वगैरह कभी नहीं मेरी ख़राब हुई तो हमारा जो है वो टी वी भी साफ हो गया है उसके बाद हमारा किचन भी साफ़ हो गया है यहाँ पर मैं कुशन सीरी थी तो एक कुशन सिला, अभी मेरा मैंने कहा चल मैं वीडियो का एंड करती हूँ क्वेश्चन में कल दिखा दूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गया मेरा ब्लॉग नहीं लगा आपको पता है ब्लॉग की टाइमिंग होती है मेरी एक दो बजे में लगा देती हूँ उसके बाद ये हमारा किचन भी साफ हो गया तो भाई आज का ब्लॉग जो है मैं वो यहीं खत्म कर रही हूँ आगे मैंने आपको भाषण देना है, वो सुन लें ठीक है ओके okay, भाई तो बाकी के क्वेश्चन जो है वो मैं भी सी रही हूँ मशीन मेरी चली नहीं है डॉक्टर का कोई इशू आ रहा था तो मैं हाथ से सिलाई कर रही हूँ तो वो सिल जाएंगे तो मैं कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी कि कैसे लग रहे हैं तो और जो रजाइयां हैं और जो क्वेश्चन हैं और जो बेड शीट्स वगैरह हैं ब्राइडल बेडशीट है बच्चों के कंबल वगैरह सब चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी मेरा कोड डाल दूंगी आप लोग वहां से जाकर बाय कर सकते हो और सोफे का कवर भी टेरी सोफा कवर बाय करना है जर्सी सोफा कवर जो है वो मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड है तो ये मेरी आज की वीडियो थी आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी मजा आया होगा ऐसा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे इस लगी मैं बोलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफ़िज